यूपी में 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश के बाद से प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। वैसे भी चुनावी मौसम है तो मामले में सियासत तो बनती ही है। इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हो गए और इशारों इशारों में बीजेपी को देश का दुश्मन बता दिया। जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है देश की। दरअसल चुनाव तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे थे, जहां मीडिया ने बातचीत में प्रदेश में मदरसों पर होने वाली कार्रवाई पर सवाल किया, जिस पर अखिलेश यादव भड़क उठे। बोले, सरकार केवल मदरसे ही नहीं संस्कृत विद्यालय भी बंद करवाने वाली है, ये लोग देश के दुश्मन हैं। पूरा बयान सुन लीजिए। और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है देश की। बता दें कि अभी हाल में अवैध मदरसों को लेकर बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपी है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सीमा से जुड़े यूपी के 7 जिलों के करीब 13,000 मदरसे अवैध पाए गए हैं, जिसको लेकर एसआईटी ने इन अवैध मदरसों को सरकार से बंद करने की सिफारिश की है। बताते चले कि शुरुआती जांच के बाद एसआईटी ने सीमावर्ती इलाके में स्थित मदरसों में करीब 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका जताई थी, जिसके चलते यूपी सरकार ने सभी मदरसों के जांच के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर एसआईटी ने अब अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।